लहरियासा रेलवे स्टेशन पर सांसद विधायक ने किया फुट ओवर ब्रिज का शुभारंभ। लहरियासराय के रेलवे स्टेशन पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से दो नंबर और तीन नंबर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज नहीं होने की वजह से यात्रियों को परेशानी होती थी। आज दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सराबगी और रेलवे के DRM के द्वारा संयुक्त रूप से आज शुभारंभ किया गया। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश का कमान थामने के बाद दिन दुनी रात चौगुनी निचला क्षेत्र का विकास हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज फुट ओवर ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ है, निश्चित रूप से जो पुवारी बेल्ट के लोग भी पैदल चल के, अभी आप देखे होंगे गुमती बंद था तो इधर से हम पास किए हैं, और यहाँ रेलवे के लिए जितने लोग आएंगे उसको काफी इससे लाभ मिलेगा। लगातार दरभंगा में रेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है, उसके निमित्त फुट ओवर ब्रिज का लहरियासराय स्टेशन पर लोकार्पण हुआ है और दरभंगा स्टेशन पर भी तीन योजनाओं का लोकार्पण होना है। यहाँ जो लहरियासराय के उस पार के लोग हैं उनकी हमेशा से मांग रही है एक लो कॉस्ट आरओबी बनना चाहिए। मैंने भी पूर्व में भी पत्र लिख के दिया था, माननीय सांसद जी भी प्रयास कर रहे हैं, तो जल्द ही हम लोग आशा करते हैं कि कबीलपुर डरहार गोविंदपुर के लोगों के लिए इधर जो है एक लो कॉस्ट फुट ओवर ब्रिज रेल ओवर ब्रिज होना चाहिए और सात मेरे विधानसभा में सात आरओबी स्वीकृत है। कोपट्टी की घटना को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल का कड़ा विरोध, कहा कि तुरंत प्रशासन अपराधी को गिरफ्तार करे। दरभंगा के राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लगातार पुरखोपट्टी में दो लड़कियों की हत्या के बाद धरना प्रदर्शन और प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर अब तक बिहार में लॉ ऑर्डर में अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। पुरखोपट्टी की दो लड़कियों की हत्या को डूबने की बात क्यों कह रही है। आज भोला यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने तीव्र विरोध किया। पूरा जिला ही नहीं, पूरा देश पुरखोपट्टी घटना को लेकर के परेशान है। हाथरस कांड से बड़ा कांड पुरखोपट्टी में हो गया और आप कहते हैं किस कांड को लेकर के। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथीगण पुरखोपट्टी की घटना, जो हमारी दो मासूम बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसको उसके साथ बलात्कार किया गया, उसको मार करके तालाब में डाल करके ये प्रदर्शित करने का कोशिश किया गया है जो डूब के मरी है, और इस पूरे प्रकरण में प्रशासन की मिलीभगत लग रही है। यह साबित करता है कि पूरे बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर होता अगर घटना तो अपराधी करेंगे, करता है, करते रहेंगे, लेकिन प्रशासन उसको तुरंत उसको पकड़ता है कि भाई आखिर क्या बात है, कौन सी तह में घुसा हुआ है, ये मामला के अभी तक नहीं कर रहा। दरभंगा DMCH के सर्जिकल भवन बनने में समय लगने की वजह से 8 ओटी के लिए आज भूमि पूजन का कार्य अधीक्षक के द्वारा। दरभंगा DMCH के सर्जिकल वार्ड पूरी तरह जर्जर था। अब नए सर्जिकल भवन बनने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, लेकिन मरीजों की समस्या को देखते हुए सर्जिकल भवन तत्काल प्री फैब्रिकेटेड में बनाया जाएगा, जिसमें 8 ओटी होंगे। मरीजों को सुविधा देने के लिए दरभंगा DMCH ने आज भूमि पूजन कर इसका विधिवत शुभारंभ किया। ये नया सर्जिकल भवन प्री फैब्रिकेटेड बनेगा। DMCH परिसर का सर्जिकल भवन जो पुराना था वो क्षतिग्रस्त हो गया, उसे क्षतिग्रस्त होने के कारण उसे रहने लायक को नहीं रह गया, उसे खंडहर घोषित कर दिया गया। तो तत्काल हम लोग जो कोरोना का BSC नर्सिंग का ये है उसमें हम लोग सर्जिकल चला रहे हैं और नया सर्जिकल भवन बन रहा है, जिसके बनने में अभी टाइम लगेगा, 2-3 साल टाइम लगेगा। तो तत्काल मरीजों को राहत देने के लिए प्रीफैब सर्जिकल भवन और जहाँ भी भूमि पूजन किया गया है, ये एरिया है ओटी का, यहाँ ओटी माने मॉड्यूलर ओटी बनेगा, 8 ओटी बनेगा, ताकि ऑर्थो का और सर्जरी के केसेस का ऑपरेशन करने में कोई असुविधा। वो 50 रुपये है गर्म पानी के लिए, क्या कहेंगे, पूरी क्या योजना है सरकार की यात्रियों के लिए? योजना मैं आपको बता देता हूँ। PPP मोड पे जो होता है
अगर इसका रेट ज़्यादा है तो उसका अपने आप ही नहीं चलेगा ना, अपने आप ही नहीं चलेगा उसका, उसको अपने आप ही रेट कम करने पड़ेंगे। ये मार्केट ओरिएंटेड रेट्स हैं, अगर उसका ज़्यादा रेट है अपने आप कम कर देगा, वो अगले दिन से ही नहीं चलेगा, कोई 50 रुपये नहीं देकर जाएगा। तो ये अपने आप सेल्फ कंट्रोल मार्केट डिटरमिंड रेट्स हैं। हमारी जो रेलवे ने डायरेक्ट प्रोवाइड की हुई है बहुत 2 रुपये में शौचालय या जो भी है स्नान का 5 रुपये आज वो हमारे उपलब्ध है। ये एक डीलक्स है आने के लिए था और इसमें भी संगम में वाम दलों के द्वारा मनरेगा मजदूरों के लिए मांग के साथ आज प्रदर्शन। दरभंगा में वाम दलों के द्वारा अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर संघ के द्वारा सरकार से मांग की गई कि मनरेगा के मजदूरों को 200 दिन काम की गारंटी और 600 रुपया दिया जाए। इसे लेकर के आज लहरिया सराय टावर समाहरणालय होते हुए धरना स्थल पर यह प्रदर्शन पहुंचा। बड़ी संख्या में आए मनरेगा मजदूरों ने भी अपनी आवाज बुलंद की। वामपंथी दलों के जन संगठन खेत मजदूर यूनियन के तत्वावधान में मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून बनाने के लिए मनरेगा जिसे सरकार मजाक बनाए हुए है, जिसे दिन रात खत्म करने की साजिश कर रही है, उसमें मजदूरों को 200 दिन काम की गारंटी और 600 रुपया प्रतिदिन जो है सो मजदूरी का सवाल है। डीएमसीएच में आज मरीजों की काफी भीड़ देखी गई। 1465% का हुआ रजिस्ट्रेशन और इलाज। दरभंगा डीएमसीएच में आज सुबह ठंड के बावजूद आज मरीजों की संख्या में काफी इजाफा नजर आया। गौरतलब है कि बढ़ते सर्द ठंड और गर्मी की वजह से लोगों में सर्दी खांसी बुखार अधिक हो रहा है। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में ही अधिकतर मरीजों को जांच के लिए देखा गया। आज सुबह आउटडोर काउंटर पर 1465 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ और इलाज किया गया। धीरे धीरे दरभंगा में डीएमसीएच में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। दरभंगा के सहायक बेता थाना के सामने बॉयज हॉस्टल डीएमसीएच में शराब पकड़े जाने के बाद अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश और लगाए प्रशासन पर आरोप। दरभंगा डीएमसीएच के बॉयज हॉस्टल में पिछले दिनों 94 कार्टून शराब के बरामद होने और खुद तत्कालीन एसएसपी बाबूराम के निरीक्षण के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस बार बार कहती है इसमें बड़े लोगों का हाथ है, लेकिन अभी तक पुलिस शांत है। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक बहादुरपुर भोला यादव ने किया आज धरना प्रदर्शन बच्चों की हत्या के खिलाफ। दरभंगा के धरना स्थल पर बहादुरपुर के पूर्व राजद के विधायक भोला यादव और राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस से मांग की कि अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। गौरतलब है कि पुरखोपट्टी की 2 बच्चियों के बलात्कार के बाद हत्या के मामले को लेकर के राजद ने आज पौल प्रशासन को घेरा है। जिस परिवार के साथ ये घटना हुआ है ये लोग निहायत शरीफ लोग हैं और इनके परिवार के लोग बहुत ही सात्विक बहुत ही शालीन लोग हैं। अभी तक इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है जो हमारी बच्ची के साथ इस तरह का घटना किसने किया होगा, क्योंकि किसी से इन लोगों का बैर नहीं था। निश्चित तौर से ये कोई प्रोफेशनल जो क्रिमिनल बदमाश जो है उसको गलत नियत से उसके साथ इस तरह का काम किया है और उसकी हत्या की है। खाद के किल्लत को लेकर के दरभंगा के किसान हैं परेशान। खाद के दुकानों पर लंबी कतारों में खड़े हैं लोग। दरभंगा जिला प्रशासन और सरकार के आदेश के बाद खाद की दुकानों में अभी भी किसानों की लंबी लाइन लगी रहती है। गौरतलब है कि किसानों को अभी तक डीएपी खाद सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का जिला प्रशासन को लेकर के आज ग्रामीण क्षेत्र से भी कई लोगों को दरभंगा बाजार में डीएपी खाद एवं दुकानों पर लंबी लाइन में देखा गया।